हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए हार्डकोर मोड। आई नो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। नहीं लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये हार्डकोर मोड होता क्या है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हार्डकोर मोड काफी हार्ड होता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये तो मालूम है आप लोगों को कि हार्डकोर मोड काफी हार्ड होता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एडवेंचर एसएमपी का एपिसोड 2 आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल टॉप में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने का और उस वीडियो को भी जाके देख लेना। और अभी तक आप लोगों ने भाई के 500 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट करवाए उधर, तो जल्दी से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा ही दो। खैर, शायद अभी हम इस टॉपिक से भटक रहे हैं। अभी हम आपको हार्डकोर मोड दिखलाने वाले थे, तो अभी हम उसी टॉपिक पर आ गए वापस। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का कोई भी लाइक हम नहीं हुआ, तो जितना हो सके उतना लाइक कंप्लीट करवा दो और अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको डेमो दिखलाने के लिए अभी हम आ चुके हैं हार्डकोर वर्ल्ड में। अब यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो जो मेरा हार्ट का निशान है, वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी पहले हम इस पानी के उस पार चलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं कि आखिर ये हार्डकोर मोड है कैसा और वर्क कैसे करता है, क्योंकि आप लोग तो समझ रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सर्वाइवल वर्ल्ड है। तो पहले मैं आपको ये दिखला देता हूँ कि ये सर्वाइवल वर्ल्ड नहीं है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर क्रिएटिव लगाया हुआ है, लेकिन हार्डकोर मोड एक्टिव है, इसलिए क्रिएटिव तो वर्क करेगा ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर क्रिएटिव लगाया हुआ है, फिर भी हमें क्रिएटिव का कोई भी जो सुविधा होती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा हार्डकोर मोड एक्टिव है। ना ही हमको कोई एक्स्ट्रा सामान देखने को मिलेगा, ना ही हमें जैसे कि किसी चीज़ को मारेंगे या फिर हमें डैमेज नहीं होगा, सारा कुछ हमें होगा सर्वाइवल वर्ल्ड की तरह। बोले तो सर्वाइवल में तो हम दोबारा स्पॉन हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो पाएंगे। ये तो हार्डकोर मोड है ना, इसलिए इसमें स्पॉन भी नहीं हो पाएंगे। डेमो के लिए हम मर के दिखलाते यार, तो यहाँ पर मरने के लिए क्या चीज़ है। तो चलिए हमें पानी में ही चलते हैं, लेकिन पहले हम आपको इन्वेंटरी भी एक बार खोल के दिखलाते हैं कि इन्वेंटरी में हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखा आपने, इन्वेंटरी में भी हमें कुछ नहीं है। तो अभी हम पानी में आ चुके हैं और पानी में देखते, थोड़ी देर रुक के ब्लूला कम हो रहा है। अरे चलो यार, ये भी आ गया ये मारने के लिए, तो इससे ही मर जाते हैं। उसके बाद हम आपको दिखला ही देंगे कि आखिर किस तरीके से आप यहाँ पर बोले तो मरने के बाद वापस आ जिंदा हो पाओगे या नहीं। तो चलिए हम पानी में दोबारा से चलते हैं और इसे चाहे तो हम इसे मारते हैं, यहाँ ये हमें मार दे, हम तो इसे मार शायद ही पाएंगे। तो इसने हमें मार दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रिस्पॉन गेम का नहीं, यहाँ पर गेम ओवर लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ यू कैंट रिस्पॉन हार्डकोर मोड, तो हम हार्डकोर मोड में ये रिस्पॉन नहीं हो सकते। देन इसके नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वर्ल्ड। बोले तो आप अपने वर्ल्ड को देख सकते हैं, आप कितना अच्छा वर्ल्ड था जिसे मरने के बाद एक बार आप तो देख ही सकते हैं ना। अब यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक्सपेक्टेड वर्ल्ड पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आ गया दोबारा से इस जगह पर, और यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज डिलीट द वर्ल्ड, मतलब कि इस वर्ल्ड में आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे तो आप किसी जानवर को मार भी नहीं सकते, या फिर आप एक ब्लॉक भी नहीं तोड़ सकते, बस इसमें घूम सकते हो और ना ही सर्वाइवल का मजा उठा सकते हो, ना ही क्रिएटिव की तरह इसमें कुछ कर सकते हो। बोले तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप इसमें घूम सकते हो। और इस पर लिखा हुआ डिलीट वर्ल्ड, तो ये आपको आप डिलीट ही करना पड़ेगा। मरने के बाद बस आपको एक थोड़ा सा मौका दिया जाएगा कि भाई अपने वर्ल्ड में आप थोड़ा सा घूम लो, देख लो यार आपका इतना अच्छा वर्ल्ड था, इतना ज्यादा ये था, तो एक्सपेक्टेड वर्ल्ड का इसलिए दे दिया गया लग रहा है। तो अभी हम आपको बता देते कि आप भी किस तरह से डाउनलोड करके अपने माइनक्राफ्ट के किसी भी वर्ल्ड के अंदर एक्टिव कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में हार्डकोर मोड के वर्ल्ड के फाइल का लिंक मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप जेड अर्ची वर्ड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास जेड अर्ची वर्ड एप्लीकेशन भी है और फाइल तो ऑलरेडी है। तो जेड अर्ची वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको उस फाइल में चले जाना होगा जहाँ आपने इस हार्डकोर मोड के फाइल को रखा हुआ है। तो मैंने तो इसे एक न्यू फोल्डर में रखा हुआ था, तो चलिए हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर को ढूंढते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने ऐसा दो फोल्डर नहीं आएगा, बोले तो आपके सामने कोई एक ही आएगा। ज़्यादा चांस है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन मार्क का लगा हुआ वो आए, तो इससे आसानी होगा। उस पर बस एक बार क्लिक करना आपको और एरो के निशान पर क्लिक करके माइनक्राफ्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फाइल माइनक्राफ्ट में चला जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर आपके फाइल में ऐसा ना आए और नीचे वाला ऑप्शन जो तो ऐसा है, तो उस पर आपको होल्ड करना है, उसके बाद प्रेस करके रखिएगा, तो रीनेम करके उसके .zip हटा दीजिएगा। तो अभी हमारा नहीं हुआ क्योंकि मेरे में पहले से एक ऑलरेडी यहाँ पर ये है फाइल, तो पहले हम पहले वाले को डिलीट कर देते हैं क्योंकि सेम नाम का दो फोल्डर नहीं बनता। अब हम इसे रीनेम करेंगे और इसके एंड में जो .zip लगा हुआ जैसे कि आप दे सकते हो उसे हटा के ओके कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो ये भी वैसा ही फाइल बन जाएगा जैसा कि पहले वाला फाइल था। अब इस पर भी हम बड़ी आसानी से क्लिक करके एरो वाले निशान पर क्लिक करके माइनक्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख ही सकते हैं हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक आपका माइनक्राफ्ट ओपन ना हो जाए। तो माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो फाइल ये होगा सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आ जाएगा मैसेज हार्डकोर मोड बिहेवियर पैक सक्सेसफुल हो चुका है। देन इसके बाद हमारा रिसोर्स पैक भी सक्सेसफुल होगा सेम इसी तरीके से। अब ये दोनों हो जाने के बाद आप प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, और आपको अगर एक नए वर्ल्ड में ये हार्डकोर मोड को एक्टिव करना है तो उस पर क्लिक करिएगा क्रिएट वर्ल्ड पर, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एडिट करके
बदला देता हूँ। तो मेरे पास ये वर्ल्ड है, तो इस पर क्लिक करूंगा एडिट वाले ऑप्शन पर, फिर रिसोर्स पैक पर क्लिक करके यहाँ पर माई पैक में जाऊंगा। तो हार्डकोर मोड को एक्टिव कर लेना होगा हमें। इसे एक्टिव करने के बाद आपको नीचे बिहेवियर पैक में भी देखना होगा। तो ये तो मेरा पहले ही बिहेवियर पैक में एक्टिव हो चुका है। तो आपको इन दोनों को एक्टिव कर लेने के बाद आपको अपना वर्ल्ड को ओपन करना, बोले तो खेलना, उसके बाद आपका हार्डकोर मोड एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर हार्डकोर मोड को एक्टिव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एडवेंचर एसएमपी का एपिसोड 2 देखना ना भूलना।